ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिल्कुल आपने सही थंबनेल देखा कि जो अभी आप मन में सोच रहे हैं ना, आप वो चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें आपकी हो सकती हैं। जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, वो चीज़ें मन में जो आप सोच रहे हैं वो हो सकती है। लेकिन वो कैसे हो सकती है कि पूरी चीज़ें समझने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। दोस्तों, आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत है और बहुत आभार है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपके मन में आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं या जो चीज़ें आपके जीवन में आप चाहते हैं कि भगवान मेरे साथ ये चीज़ें हो जाए या ये मेरे जीवन में हो जाए, कोई भी हो, मैं उसमें पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं कि ये चीज़ें होंगी, कोई सी भी चीज़ें, तो सबसे पहली और मुख्य बात है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ जाएँ, वहाँ जाकर उसकी प्रार्थना करें, ईश्वर से कहें, शिव जी से वो बात कहें, जैसे हम किसी व्यक्ति से कहते हैं ना, उस भाव के साथ मन में वो बात अपनी कहें। लेकिन अब एक सावधानी यहाँ से रखना है और दो चीज़ें यहाँ से और करना है जिससे कि आपको ये चीज़ें होंगी। अब आप शिव जी से कहें या आपको रोज़ शिवालय जाना है, इसमें एक कंटिन्यू बनाना होगा। दो वक्त जाएँ तो बहुत ही अच्छा हो पाए, अगर दो वक्त नहीं जा पाए तो एक वक्त जाएँ तो भी चल जाएगा। रोज जाएँ, शिव जी से आपको बात कहना है, वो एक बात कहना है। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें कि आप शिव जी से वो बात तो कह रहे हैं लेकिन वो बात सकारात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के नुकसान के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं या किसी को हार्म पहुंचाने के लिए कि भगवान इनका ऐसा कर दो। नेगेटिविटी पर कुछ भी नहीं, जो आपके लाइफ को पॉजिटिव करती है, जो आपके लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव लाती है, वो आप मांगे। मैं वादा कर रहा हूँ दोस्तों, 8 दिन 10 दिन 15 दिन अधिकतम महीने भर के अंदर आपको वो चीज़ें होती दिखाई देगी। लेकिन एक और बात जो है, इन चीज़ों को तो आप करेंगे, आपको मन से शुद्ध होना पड़ेगा, अंतर मन से आपको खुद से झूठ नहीं बोलना होगा। कई सारे लोग मन में कुछ होता है, जुबान पे कुछ होता है, ऐसा ना करें। खुद से झूठ मत बोले, खुद से सच बोले, जो सच है, जो सिचुएशन है उसे स्वीकार करें और उससे सच बोलें, उस सच को स्वीकार करें। छल कपट मन में ऐसे भी शिव भक्तों में नहीं होता है, आप में भी नहीं होगा, तो उन चीज़ों में भी आप उलझे नहीं। आप यहाँ तक वीडियो को सुनते हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, और आपके मन में अगर कोई मनोकामना है जो आप पूर्ण हो, वो कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि हमें भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण करे और भोलेनाथ का कोई नाम लिखे। दूसरी बात है कि अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सअप पर आप अपॉइंटमेंट लेकर बात करिए, व्हाट्सअप के थ्रू इस नंबरों पर बात हो पाएगी। अगली बात यह है कि ये सब चीज़ें करने के बाद आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। आप जितना जाप करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा और उतनी जल्दी आप मन में जो चीज़ें सोच रहे हैं वो हो जाएगी, पर सकारात्मक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।